कर रहा है वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद है, ठीक है, अगर फेरा देना नहीं है, अपना काम कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो उसकी हेडेक। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू द स्टूडेंट ग्रीवियंस या पेरेंट ग्रीवियंस, तो हम खड़े हैं पेरेंट्स के साथ, क्योंकि दोनों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर कंसल्टेंट ने गलती की है कहीं पे, दैट कंसल्टेंट शुड बी आंसरेबल, ठीक है। अगर कहीं स्टूडेंट ने गलती लेके कंसल्टेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, हाँ अगर कंसल्टेंट ने जनमन गलती की है कहीं पे, उस गलती की भरपाई भी होगी, ठीक है। तो इस सारी चीजों को लेके आप क्रिया करा दिया गई है, और मीडिया पर्सन से कि मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, इसमें मैं एक आपको एक वर्स बता दूंगा, हमारा कुरान जो है वो यहाँ पे सारे मुस्लिम से, वी आर प्राउड मुस्लिम, है कि नहीं। कुरान में सूरह हुजरात में एक आयत लिखी हुई है कि फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स आफ्टर दैट टेक एनी एक्शन, ठीक है। ये कुरान है, अगर हम इसको मतलब अपनी जिंदगी में लाएंगे ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब कोई नाकाम होगा। कुरान को जिंदगी में लाना ही एक कामयाबी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ वर्शिप, इबादत क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज को, हैड द अपॉर्चुनिटी टू गिव लेक्चर ओवर देयर डॉल्फिन कॉलेज ऑफ आई थिंक एग्रीकल्चर साइंस, उस वक्त और सर वहाँ थे, उनसे हमारी अच्छी बात थी। तो मैं खुद भी मिशन ही में पढ़ाता हूँ, मैं नॉर्थ हेलो हाँ भनिवा सर इन्हें फोन ही हेलो प्रोग्राम किया है।